दर्शन सिंह सरे तार रहते किसा तमाम सुना होगा रे किसा तमाम सुना होगा लाहौर जिले में छोटा सा एक पंका गांव सुना होगा दर्शन सिंह सरे तार रहते किसा तमाम सुना होगा रे किसा तमाम सुना
सिंह ने जब जन्म लिया उसका बाप जेल में जाया था रे। से आजादी आई, लेकिन एक बात पूछना चाहूंगी, अगर आप लोग एक उंगली से घी निकालोगे तो निकल जाएगा? नहीं निकल सकता, पूरे हाथ का प्रयोग करना पड़ता है जब जाके घी निकलता है। उसी प्रकार से सारे हिंदुस्तानी मिले जब जाके इस देश में आजादी का माहौल बना, आजादी आई, क्रांतिकारियों ने उन अंग्रेजों का नाश किया। कहते हैं कि उनकी कब्र पर नहीं एक भी दिया जिनके लहू से जलता था ये चिरागे वतन। अरे उनकी कब्र पर नहीं एक भी दिया जिनके लहू से जलता था ये चिरागे वतन, और जगमगा रही है उनकी हवेलियां जो बेच कर खा गए शहीदों का कफन। आज उनको याद नहीं किया जाता जो इस देश के लिए कुर्बान होके गए हैं। रख कितने चढ़ गए फांसी पर, कितनों ने गोलियां खाई थी, कितने चढ़ गए फांसी पर, कितनों ने गोलियां खाई थी, और क्यों झूठ बोलते हो साहब, क्या चरखा चलाने से आजादी आई थी? रे गांधी तनली आजादी चला चला का चरखा, रे गांधी तनली आजादी चला चला का चरखा, और आजादी तो लाने आड़े सौदा कर गए सरका। बात अच्छी लगे तो ताली बजा दिए करो। Oh,
भजनों रागनी देशभक्ति चल रही है, लग रहा हो कि कलाकार मेहनत कर रहा है, कलाकार की कलाकारी पसंद आ रही है, तो एक बार जोरदार ताली मार के बताइए, जोरदार ताली। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, परम आदरणीय श्री, जी हाँ, परम आदरणीय श्री बबलू सिंह जी शेखावत साहब बहरोड से, भाई 500 रुपए देते हैं, एक बार जोरदार ताली मार दो भाई शेखावत साहब के लिए, जोरदार ताली। आइए मेरे मंडू कंवर जी, इस हिंदुस्तान को आजाद करवाने के लिए भगत सिंह ने 4-5 लड़कों को साथ में लिया और दिल्ली विधानसभा जहां पे अंग्रेज बैठा करते थे वहां पे घोड़ा मार देता है। जैसे ही घोड़ा मारा अंग्रेज थर थर कांपने लगे। प्रेमी सज्जनों, सरकारी हुक्म होता है कि भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाए, गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन वो देश का लाल घबराता नहीं है। हंसते हंसते फांसी पर झूलने को तैयार हो गया। जब फांसी पे झूलने जा रहा था तो अपने हिंदुस्तानियों से यही उम्मीद थी कि मैं मर गया तो मारे हिंद के केऊ जड़ डेरे हो जाएंगे, रे मैं मर गया तो मारे हिंद के केऊ जड़ डेरे हो जाएंगे और मेरे बर के वीर भगत सिंह कई और बतेरे हो जाएंगे, और बतेरे हो जाएंगे। सब सैनिक यही सोचते हैं, सब देशभक्त यही सोचते हैं कि आज मैं नहीं हूं तो कल को और देशभक्त पैदा होंगे। और चौथी बात में कभी न निचोड़ करा और कह लग दिया भाई, सुनो सभी नर नारी।